आपके लिए ना बहुत ही स्पेशल कॉफी बना के लाया हूँ। स्पेशल क्यों? दरअसल बात ही बहुत स्पेशल करनी थी तो स्पेशल कॉफी तो बनती है ना। कौन सी बात? मैडम वो अकाउंटेंट है ना, बहुत ही कोई फजूल आदमी है। मुझे तो लगता है सादी भाई के कुछ ज्यादा ही करीब है वो। मतलब क्या तुम्हारा हुआ क्या? मैंने उससे कहा कि भाई कुछ पैसे दे दो, आजकल बिल्कुल पैसे नहीं है। अब रोज रोज तो लिफ्ट मांग के ऑफिस नहीं आ सकता ना। तो कहने लगा पैसे सिर्फ एक ही सूरत में मिलेंगे, या तो हाशमी साहब बोले या सादी भाई, वरना एक पाई नहीं मिलेगी। अच्छा फिर? मैंने कहा कि अगर मैं बीना मैडम से कहलवा दूं तो फिर? तो कहने लगा कि नहीं, सिर्फ सादी भाई कहेंगे तभी तनख्वाह मिलेगी, मैं किसी बीना मैडम को नहीं जानता। अब बताएं ये कोई बात हुई भला? उसकी इतनी मजाक, उसने ऐसा कहा? अरे कहा तो उसने बहुत कुछ था, चैनल की पॉलिसी ऐसी है ना तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैडम बड़ा अफसोस हुआ ये जान के कि आपकी भी नहीं चलती यहाँ पे। मैं उसे पायल दूँ, मैं उसे नौकरी से ही निकाल दूंगी। अरे नहीं 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 मैडम, आप उसे ऑफिस से ना निकालें, क्योंकि बात बिगड़ेगी तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा बल्कि आपकी इज्जत खराब होगी। वो सबको कहता करेगा मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। आप बस ऐसा करें कि उसे कॉल करके इतना कह दें कि बुलंद मुकाम को उसके पैसे दे दो, फिर देखें आप। जब बुलंद मुकाम पैसे मांग रहा है तो आप लोग पैसे क्यों नहीं दे रहे उसे? अभी और इसी वक्त उसे सारे पैसे दे। इट्स माय ऑर्डर। ये चीज जबरदस्त काम कर दिया आपने, अब उसे आपकी ताकत का ठीक से अंदाजा हो जाएगा। मैं तो उसे ठीक कर ही दूं, लेकिन तुमसे मुझे एक काम है। जी जी बोलिए। तुम सफदर को जानते हो? हाँ हाँ वही सफदर ना जो पुलिस वालों के साथ यहाँ आता जाता रहता है। हाँ हाँ वही, मुझे उसके बारे में मालूमात करवानी है। वो कहाँ रहता है, उसके क्या इरादे हैं, किन से मिलता है और आगे क्या करने वाले, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। अरे बस इतनी सी बात? आप बेफिक्र हो जाए, मैं एक एक बात उसके बारे में पता करके ना आपको बता दूंगा। गुड, अब जाओ। ठीक है। अरे बुलंद मुकाम, अच्छा हो यही मिल गए तुम। ये लो अपनी सैलरी और ये साइन करो यहाँ पे। यहाँ? हाँ। अच्छा एक बात सुन, सच सच बताना ये सब तूने करवाया कैसे बीना मैडम से? सब बता दूँ? हाथ पांव कटवा लूँ अपने? अबे बताना। अबे कुछ नहीं यार, बस मैं बीना मैडम के रूम में गया और जाते ही मैंने उनके पांव पकड़ लिए कि मैडम मेरी माँ बहुत बीमार है, पैसे दे दो। हो गया काम मेरा। तो क्या तेरी अम्मा है? अबे नहीं यार, लेकिन अगर होती तो क्या बीमार नहीं हो सकती थी? अबे कितना बड़ा चीटर है यार तू। लो इसमें चीटर की क्या बात है, और अगर मैंने चीटिंग की भी है तो उसकी वजह तो तुम हो ना। कोई चीटर पैदा नहीं होता साहब, वक्त और हालात उसे चीटर बना देते हैं। मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? हाँ क्योंकि अगर आप ये ड्रामा नहीं करते और सीधी शराफत से मुझे तनख्वाह दे देते तो क्या मैं मैडम के सामने जाके झूठ बोलता? तो साबित तो यही हुआ ना कि इन सब चीजों की वजह आप हैं। वाह भाई वाह, कितनी आसानी से तूने अपनी टोपी मेरे सर पे रख दी, शाबाश है तुझे। अच्छा ये बताओ, जब बीना मैडम ने तनख्वाह देने का बोला तो कैसा लगा था तुम्हें? अबे एक लम्हे को तो मैं घबरा गया था कि ऐसा क्या हो गया, इतने गुस्से में उन्होंने मुझसे बात की थी जैसे कोई मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। अबे तो क्या बुलंद मुकाम की तनख्वाह रोकना कोई छोटा जुर्म है? वो तो तुम खैर मनाओ, सादी भाई नहीं थे वरना बात ही और होती। बहुत ही तेज है यार तू कसम से। हाँ हाँ आप सबसे ही सीखे हैं तेजियां, मैं भी जानता हूँ पेट्रोल की पर्चियां कहाँ गायब करते हैं आप लोग। क्या